उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2 का पहला बजट आज पेश किया जाएगा। इसके जरिए सरकार 2 काम करेगी, पहला विधानसभा चुनाव के वादों को पूरा करने का काम करेगी और दूसरा लोकसभा 2024 के चुनाव की रूपरेखा तय कर सकती है। किसान, महिलाओं और युवाओं को सरकार तमाम तोहफे दे सकती है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 6ठी बार यूपी का बजट पेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें, बजट से पहले कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें ब्रीफ किया जाएगा। ये बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े वादों की बात करेंगे तो उन्होंने हर घर से एक शख्स को रोजगार, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, युवाओं को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट जैसे दावे किए थे। इनको अमली जामा पहनाने की तैयारी है। 70% से ज्यादा योजनाओं और घोषणाओं को इस बजट में शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में यूपी सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकी थी। 4 महीने का लेखानुदान की सदन में पेश किया गया था ताकि जरूरी खर्च की व्यवस्था हो सके। वजह विधानसभा चुनाव थे, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। यही वजह है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार महिला, किसान और पढ़ने वाले युवाओं को तोहफा देने की तैयारी में है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं अमरीश सिंह जी। अमरीश, बताएं, आज यूपी सरकार बजट पेश करेगी, क्या क्या सौगात मिल सकती है आमजन को? बिल्कुल हर्षिता, देखिए योगी सरकार 2 का आज पहला बजट होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार 6ठी बार यूपी उत्तर प्रदेश का बजट पेश करेंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट होगा। योगी सरकार में वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। पिछला बजट जो था वो 5,50,270 करोड़ रुपए का था, लेकिन ये बजट जो है ये 6.10 लाख करोड़ रुपए का होगा। तो ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होने वाला है। खास बात ये है कि यह बजट जो है ये पेपरलेस होने के साथ ही एक समावेशी भी होगा, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ यह साधने की भी कोशिश होगी कि जिस तरह विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, उसको किस तरीके से इस बजट के जरिए चुप कराया जा सके। हालांकि इतना ही नहीं, खन्ना ने यह भी दावा किया है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा बजट तो होगा ही, साथ ही साथ प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणा और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के संबंधी वादे को पूरा करने का भी ऐलान होगा। क्योंकि सरकार इस बार भी इससे पूर्व बनी सरकार की तरह पहले बजट को किसानों पर केंद्रित रखेगी और लगभग 1800 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ेगा सरकार को मुफ्त बिजली देने पर। इसके अलावा सिंचाई विभाग को इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। कृषि मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट का आकर्षण होगी। इसमें सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए भी अनुदान देने की व्यवस्था होगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण जैसे बजट में ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा देने की भी ये जो घोषणा है सरकार कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सभी मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना, थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किया जा सकता है। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के हिस्से 30,000 करोड़ रुपए का बजट आने की उम्मीद है। और हर्षिता एक बात और, बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर यूनिवर्सिटी और आईटीआई की स्थापना पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाएं, कम कीमत में दवा उपलब्ध कराने के लिए छोटे छोटे केंद्र और नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान है। हर्षिता जी, अमरीश, एक और बात यहाँ पर आ रही है कि मिशन 2024 के चुनाव को लेकर भी। बिल्कुल हर्षिता, देखिए 2024 का जो चुनाव है वो नजदीक है, इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूर्ण तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश करेगी। लेकिन 2022 का जो संकल्प पत्र है उत्तर प्रदेश सरकार का, इन संकल्प पत्रों को किस तरीके से पूरा किया जाए, क्योंकि पिछला बजट जो था वो 4 महीने के लिए, क्योंकि चुनाव होने वाला था तो उसी के दृष्टिगत वो बजट तैयार किया गया था। इस बार का जो बजट है वो 2024 को ले, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से पिछले दिनों तेल की कीमतों में कमी की है, टैक्स
घटाएं उसको देखते हुए 2024 नजदीक है, 2024 को भले ही, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो अहम है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले 2023 का भी बजट आएगा, लेकिन 2022 का ये जो बजट है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, इसके जरिए सरकार दो काम करेगी, एक तो चुनाव के वादे और दूसरा 2024 के चुनाव की रूपरेखा तैयार। लेकिन फिलहाल किसान, महिलाओं, युवाओं को तमाम तोहफे सरकार जो है वो आज दे सकती है। हर्षिता जी, अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, जिन्होंने बताया कि आज यूपी सरकार बजट पेश करेगी जहां महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है, आमजन को सौगात मिल सकती है, और 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है तो उसको लेकर भी रूपरेखा तय कर सकती है।